हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भरमा करेला। ये मैंने पहले से छील के रखे हुए हैं, छील के ये इसका छिलका है, ये भी मैं बनाऊंगी। और इसमें मैंने नमक लगा के इसे धूप में सुखा लिया है। तो ये हो गए मेरे आधा किलो करेले। और इसमें मैंने 3-4 प्याज काटे हैं, तो उसे मैंने दरदरा पीस लिया है। इसमें मिर्च भी है, हरी मिर्च, तो 3-4 डाली है मैंने। इसके साथ अब सारे मसाले डालूंगी। इसमें मैंने ना तो लहसुन डाला है, ना मैंने इसमें अदरक डाला है। तो अभी इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर, मतलब आमचूर। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक 1 चम्मच, देगी मिर्च 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1/2 चम्मच, और गरम मसाला 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी। तो ये सारे मसाले अभी इसमें डालेंगे। तो चलिए इसे मैं अब पहले बाउल में निकाल लेती हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक का, क्योंकि नमक इसमें पहले से करेले में लगा भी हुआ है, तो अगर ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी इसमें मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, जीरा भी पड़ा है तो जीरा भी थोड़ा सा डाल ही देते हैं, जीरा, आमचूर पाउडर। अभी सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारा मसाला तैयार हो गया है, ये देखिए। अभी करेलों को तलना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पहले से रखा हुआ है। इसमें मैं थोड़े थोड़े करके करेले डालूंगी, आंच को तेज़ कर देंगे। तो अभी इसे डीप फ्राई करना है। अभी इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा आएगा। तो आपको सेम वैसा ही कलर चाहिए होगा। इसमें करीबन भी 10 से 12 मिनट तो लगेंगे पकने में। फुल आंच पे रख दीजिए, फटाफट हो जाएंगे। अभी देखिए, ये देखिए, इस पर कलर आना स्टार्ट हो गया है। ये देखो, इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अभी देखिए, 12 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है, तो ये अभी इसका कलर कुछ ऐसा आया है। आपको बस ऐसे हिलाते रहना है इसे बीच बीच में, कि एक साइड से ज़्यादा ना पक जाए। ये देखिए ऐसे। ये देखिए, दूसरी साइड से भी पक गया है ऐसे। अभी मैं इन करेलों को बाहर निकाल रही हूँ। इसे भरने के बाद हम एक बार सिर्फ इसे एक बार और कढ़ाई में डाल के पकाएंगे। तो अभी ये करेले मैंने बाहर निकाल लिए हैं, और इसी में मैं तेल मैंने सारा बाहर निकाल दिया है, तो तड़का भी इसी में भून दूंगी मैं। ये देखिए, इस मसाले को भी हमें इसी में भूनना है। अभी मसाले वगैरह सब इसे में पहले से डले हुए हैं, तो जस्ट हमें अभी इसे पकाना है।
अभी इस मसाले को भी हमें अच्छे से पकाना है। ये देखिए हमारा मसाला भी पकने लग गया। अब ये हो गया, सारा मसाला इकट्ठा होने लगा है। तो ये हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। मैं इसे एक कटोरी में निकाल लेती हूँ, आँच को बंद कर रही हूँ। अभी हमारे करेले ठंडे हो गए हैं तो मैं इसमें अभी फिलिंग डाल रही हूँ जो ये मसाला हमने बनाया था। इसे भर के ऐसे, ये सारे करेले हमें ऐसे ही भरने हैं। अभी ये मैंने करेले तल लिए हैं, भर लिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि अब मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें जो करेले वाला ऑयल था ना जिसमें हमने डीप फ्राई करे थे, वो मैं इसमें 2-3 चम्मच डालूँगी ऐसे। बड़े हैं तो 2 ही चम्मच डाल रही हूँ, बड़ा वाला चम्मच है। तो अब ये जो करेले हैं मैं दोबारा भुनने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए ऐसे, इससे क्या है कि ये जो बाहर की साइड है ना इसकी अच्छे से क्रिस्पी सी हो जाएगी और खाने में और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे ये ऐसे। तो ये जो उसका मसाला बचा हुआ है वो भी मैं साथ में ही अभी डाल रही हूँ, ये वाला। थोड़ा थोड़ा इसे साइड चेंज करते रहिए ऐसे। सबकी कर देनी है। ये देखिए अभी इस पे ना वो ब्लैक ब्लैक वाला कलर सा चढ़ने लगा है। तो ये लीजिए, ये हमारे करेले बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है इस पे। अभी मैं इसे प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये हमारे करेले बनके रेडी हो गए हैं। थैंक यू सो मच।